एमसी स्टैन भी जीत सकता है, क्योंकि एक तो वो बंदा स्टार्ट से एंड तक बहुत जेन्युइन था, और दूसरी बात यह है कि उसका बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है बाहर। हॉटस्टार के लिए एक शॉर्ट फिल्म का ऑफर आया है, खतरों के खिलाड़ी आ रहा है, तो डेफिनेटली मैं जाना चाहूँगी, क्योंकि आई एम अ वेरी एडवेंचरस गर्ल। मैं योगा करती हूँ, मुझे एडवेंचर बहुत पसंद है। मेरी मम्मी भी बहुत खुश है, बहुत प्राउड फील करती है कि आप लोग इतना ज़्यादा प्यार भेजते हो हम लोगों को। हाय, मैं हूँ सृजिता दे और आप देख रहे हैं न्यूज़ हेल्पलाइन। आज हमारे साथ यहाँ सृजिता मौजूद हैं और उनसे कुछ खास बातचीत होने वाली है उनके शादी को लेकर। और साथ ही एक काली माता का मंदिर आप देख सकते हो, इसी मंदिर में सृजिता आने वाली हैं और प्रार्थना करने वाली है। क्या कुछ प्रार्थना करने वाली है, क्या कुछ माता से माँ से मन्नत मांगने वाली है, वो हमें कुछ खास बातचीत में बताने वाली है। मैं मुंबई से दीपक पांडे, आप देख रहे हो बॉलीवुड हेल्पलाइन। आज हमारे साथ बिग बॉस की सृजिता मौजूद है। सृजिता जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू सो मच। कहना चाहोगे, कितने एक्साइटेड हो अपने शादी को लेके, पहले तो ये बताना चाहूँगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि बचपन से सपने देखते हैं कि ऐसे ज्वेलरी पहनेंगे, ऐसे गहने पहनेंगे, ऐसे कपड़े पहनेंगे। मम्मी को ये मेरे साथ कोऑर्डिनेशन में ये कपड़े, ये ड्रेस पहनना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें जब अब जाना है, ये भी देख ख्वाहिश होता है, सिर्फ गहना पहनना ही होगा। हाँ, पर मेरे केस में मैं ससुराल नहीं जा रही हूँ ना, मैं बॉम्बे में ही रहूँगी अभी बहुत सालों तक, तो ये जो सोच, ये जो सपने होते हैं, तो ये सपने फाइनली ट्रू हो रहे हैं। और मुझे लगता है बचपन में हम जब सपने देखते तो ससुराल जाना इज़ नॉट अ गुड सपना, तब हर किसी को दुख होता है, तो वो सपना शायद मैंने देखा ही नहीं, इसीलिए शायद मैं नहीं जा रही हूँ, मैं बॉम्बे में ही रह रही हूँ। और या मैं आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी हैप्पी। मैं बात करूँ आपके लुक की, तो आज आपकी मम्मी का कितना हेल्प लिया इस लुक को? पूरा मम्मी का ही हेल्प है। मम्मी ने साड़ी निकाल के दिया, मुझे हेल्प किया साड़ी पहनने में, साड़ी बांधने में हेल्प किया, और बस। माता जी, आप क्या कहना चाहोगे, कितने आप एक्साइटेड हो बेटी के शादी को लेकर? मैं तो बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि एक तो शादी है, वो भी हमारी इंडिया में नहीं हो रही है, अभी फ़िलहाल अभी जर्मनी में हो रहा है, तो ये लेके तो और ज़्यादा ही एक्साइटमेंट है कि बाहर गांव में बाहरी तरीके से उन लोगों के हिसाब से शादी होने वाला है। नहीं नहीं, तो दोनों, 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 दोनों नहीं, अभी के लिए, हाँ, अभी जुलाई में जो हो रहा है, एक जर्मन तरीके से और एक और बाद में आके इंडियन तरीके से, हमारी बंगाली तरीके से, लेकिन पहला जो शादी है ना, हम लोग फर्स्ट जो शादी मना रहे हैं वो वहाँ के जर्मनी में हो रहा है। मैं जानना चाहूँगा आपसे मैम, कि क्या कुछ आज माता रानी से क्या कुछ आप मांगे, बताना चाहोगे? मैं एक्चुअली जब भी मंदिर आती हूँ या कोई भी रिलीजियस प्लेस में जाती हूँ, तो मैं कुछ मांगती नहीं हूँ, मैं बस शुक्रिया अदा करती हूँ कि थैंक यू सो मच, जो भी मेरे जीवन में हो रहा है उसके लिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ, थैंक यू। और अगर जाने अनजाने में कुछ गलती हो गई तो सॉरी, और सबको दुनिया में खुश रखे, सही सलामत रखे। मैं बात करूँ बिग बॉस की, तो प्रियंका का गेम बहुत अच्छा था, जो कि आपकी फ्रेंड भी है, लोगों को कहीं ना कहीं लगा था कि प्रियंका ही जीतेगी, खास करके मुझे भी लगा था प्रियंका ही जीतेगी, उनका गेम बहुत अच्छा था, तो क्या आप मतलब सोचे थे कि एमसी स्टैन भी विनर हो सकते? मेरा बहुत स्ट्रांग फीलिंग था कि शायद प्रियंका भी जीत सकती है, बट ये ज़रूर सोचा था कि एमसी स्टैन भी जीत सकता है, क्योंकि एक तो वो बंदा स्टार्ट से एंड तक बहुत जेन्युइन था, और दूसरी बात यह है कि उसका बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है बाहर, और बहुत ज़्यादा वोट से सपोर्ट था उसका। मैं जानना चाहूँगा, बिग बॉस के घर के बाहर आने के बाद आपको किस तरह का मतलब ऑफर आ रहा है? मैं बात करूँ वेब सीरीज की, मुझे OTT से लेके टेलीविजन शो से लेके शॉर्ट फिल्म का भी ऑफर आया है, तो हर चीज़ का ऑफर आ रहा है अलग अलग तरीके का। अमेजॉन प्राइम के लिए एक OTT का ऑफर आया है, हॉटस्टार के लिए एक शॉर्ट फिल्म का ऑफर आया है, फिर टेलीविजन शोज़ के भी ऑफर्स आए हैं, बट इस वक्त मैं सोच समझ के काम उठाना चाहती हूँ, कि ऐसा ना हो कि हड़बड़ी में मैं ऐसा काम उठा लूँ, बाद में मुझे लगे कि नहीं, ये इससे बेहतर मैं कुछ उठा सकती थी। जी,
बात करूं रियलिटी शो की तो अगर आप या कर सकती थी हाँ आपको मौका मिले तो आप कौन से रियलिटी शो में जाना पसंद करोगे? फिलहाल तो अभी खतरों के खिलाड़ी आ रहा है तो डेफिनेटली मैं जाना चाहूँगी क्योंकि आई एम अ वेरी एडवेंचरस गर्ल, मैं योगा करती हूँ, मुझे एडवेंचर बहुत पसंद है तो डेफिनेटली उसमें। अदरवाइज बहुत बचपन से मैं डांसिंग बहुत मुझे पसंद है तो आई वुड लव टू डू सम डांस रियलिटी शो। जो आपको इतना प्यार देते हैं आपके फैंस उनके बारे में क्या कहना है? मैं यही कहना चाहती हूँ थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच लव। मेरी मम्मी भी बहुत खुश है, बहुत प्राउड फील करती है कि आप लोग इतना ज़्यादा प्यार भेजते हो हम लोगों को। सो थैंक यू एवरीवन, आई लव यू एंड वी लव यू ऑल। थैंक यू सुजीता के फैंस के लिए, थैंक यू, ऐसा ही प्यार देते रहिए।